हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम हंटा पे। आप लोग जनवरी के फर्स्ट पार्ट में करंट अफेयर कर गए हो। आज हम सेकंड पार्ट में करंट अफेयर करने वाले हैं। के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा हाल ही में जिस राज्य के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको पता होगा कि तवांग जिला किस स्टेट में है, तो तवांग कहाँ पे है आप गेस कीजिए। तवांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में। आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये है उत्तराखंड में। आपको पता होगा कि पोलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो लाइकिन पार्क अभी हाल ही में बनाया गया है, वो भी उत्तराखंड में। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इज, किस फिल्म अभिनेता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है? रजनीकांत ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 ईयर की एज में निधन हो गया है? तो फ्रांस। आपको फ्रांस के बारे में, जैसे कोई भी कंट्री आ जाती है तो आपको उसकी करेंसी, आपको उसकी कैपिटल, आपको उसकी नियरेस्ट कंट्रीज कौन से हैं, ये सब, कौन सा सी है, स्ट्रेट कौन सी है, ये सब आप देखोगे तो उससे आपके ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे जिस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? नाम है निखिल नंदे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेनली 1 ईयर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किससे मतलब बिलोंग्स करते हैं, फुटबॉल से, क्रिकेट से, या फिर टेबल टेनिस से, ऐसे कर आ जाते हैं। देखिए लोग, नाउ द क्वेश्चन इज, हाल ही में जिस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिष्ठापित किया है, ये है आपके म्यांमार। म्यांमार अभी हाल ही में करंट में बना हुआ है, तो आप इस रिगार्डिंग काफ़ी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है, ये है आपका गुजरात। गुजरात के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुजरात में आपकी सबसे ज़्यादा जो इंडिया में 182 फिट की ऊंची ऊंचाई की जो भी स्थापित की गई है, वो भी गुजरात के केवड़िया में स्थापित की गई थी। ऐसे करके गुजरात का याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, वो आपका कर्नाटका है, तो ये मत सोचना कि कर्नाटका आएगा, बिकॉज इट इज़ ए न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? कौन सी टीम? तो आपकी न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हम के बीच में मैच हुआ था फाइनल में, और न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ के फर्स्ट स्थान पर पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन, आपको पता होना चाहिए इसरो के चेयरमैन कौन है, के सिवान। इसके साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि DRDO के चेयरमैन कौन है, आपके जी सतीश रेड्डी। उनके कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 1 साल के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने AFSPA, आपको पता होना चाहिए AFSPA क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है ये, तो उसके तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए शांत क्षेत्र कर दिया गया है? आपका नागालैंड को। इससे पहले भी 6 महीने के लिए नागालैंड को किया गया था, फिर से किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल में तब्दील करने वाला विधेयक पास किया है? वो तो आपका कौन सा स्टेट है? असम। आपके जो सरकारी मदरसे हैं उनको अब स्कूल में बदला जाएगा, तो ये एक गवर्नमेंट का न्यू इनिशिएटिव, दैट इज अ गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? वो तो कौन सा? आपका भूटान। भारत और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें आपके बाहरी अंतरिक्ष मतलब स्पेस के लिए जो भी यूजेस किए जाएंगे वह शांतिपूर्ण उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप की शुरुआत की है? तो आपकी ये है फॉरेन मिनिस्ट्री। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि वैश्विक प्रवासी है मतलब फॉरनर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आपकी आपको ये सीरीज में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। और ये करंट अफेयर आपके जनवरी के सेकेंड पार्ट हैं, टेक ए लुक ऑफ दैट, इट विल वेरी असेंशियल टू योर। क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है? ये है आपकी आकाश मिसाइल। आपको आकाश, नाग,
आपकी जो भी धनुष जितनी भी डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल कन्वेंशन की जाती है उनको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी एक्सरसाइज होती है इंडिया की अदर कंट्रीज के साथ, वे सब भी आपको याद रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये आपका क्या, राजकोट। अभी हाल ही में राजकोट में है, वैसे तो बाकी सब स्टेट्स में भी किया गया है, हरियाणा में भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना है? यह है 4,500। एथेनॉल के प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एथेनॉल के प्रोडक्शन से आप फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो, ताकि बायोफ्यूल के रूप में इसको यूज़ किया जाए। जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स की जो डिमांड है वो कम होती, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट, जो भी मतलब रिसोर्स कम होते जा के प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, तो उससे इन्वायरमेंट सेफली हमारा फ्यूल प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो कौन है? जोंग शान शान शान। अभी तक आपको पता होना चाहिए, अभी जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया बट इन साउथ एशिया में, जो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे वो थे मुकेश अंबानी, लेकिन अब उनको पढ़ के सेकंड जो आप बन गए हैं सबसे नंबर वन पे वो है जोंग शान शान। याद रखना ऐसे, मतलब अगर ऐसे याद रख लेना इसको आप, शान शान भैया नंबर वन पे पहुंच के शान बना गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये इजी है आपका, असम। कहाँ से आएगा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपका इसका आंसर है पंडित सतीश व्यास। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, तानसेन सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल का दर्जा दिया है? आंसर आ जाएगा L&T डिफेंस। आपका नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है? आपका जोहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या जाएगा, वी के यादव। लेकिन वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, प्रतिष्ठित पुरस्कार में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, आपके तानसेन सम्मान, ये सब पूछ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए ये क्वेश्चन याद रखें। किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को लोन देने के लिए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको पता होना चाहिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्ज किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंक मर्ज किए गए हैं, या फिर किसका बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया है, ये आपका कमेंट में बताना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने पब्लिक जो जो मैक्सिमम पब्लिक उनको मर्ज करके, अभी एट प्रेजेंटली कितने पब्लिक बैंक इंडिया में हैं ये सब भी आप बताना। केंद्र सरकार ने किसे अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? फिर से रिपीट हो, नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 5 आईज की 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो ये आपका जाएगा 5 आईज, जापान। जापान इसका नाम, जापान है। तो आपको पता होना, जैसे क्वाड में हमारी 4 कंट्रीज हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और आपका USA है। तो वहीं से आप पता लगा सकते हो कि 5 आईज क्यों बोला गया, ताकि चाइना को काउंटर किया जाए और इंडियन ओशन में अपनी जो मतलब पकड़ है उसको तो मजबूत किया जाए। इसके लिए ये 5 कंट्रीज हैं, इसमें नंबर 1 शामिल किया गया वो कौन, बाकी 4 कंट्री कौन सी है आप बताना कमेंट। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ले है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों की एक बुकलेट जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है? आपका एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत, इसी के लिए एक पहल है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, COVID-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफर करने के लिए जीता डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसने है? बिहार के लिए, बिहार SI के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, याद रखना। थैंक यू, आवर सीरीज कंप्लीटेड, आई होप एंड टेक, थैंक यू।